आखिर क्यों दर्शकों को लुभा रही है फिल्म KGF? आखिर क्यों दर्शक इतने ज्यादा उत्साहित होकर फिल्म को देखने जा रहे हैं? क्या हिंदी बेल्ट, क्या कन्नड़ा बेल्ट, क्या तमिल, क्या तेलुगु, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है और वो है KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दर्शक पसंद कर रहे हैं फिल्म KGF को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडियो में। तो दोस्तों, मैंने जब दर्शकों से पूछा क्यों उन्हें पसंद आ रही है फिल्म KGF, तो दर्शकों का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि कॉन्सेप्ट एकदम अलग है। आपको बता दो दोस्तों कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम यूनिक है। आज तक हिंदी सिनेमा ले लीजिए या फिर साउथ सिनेमा ले लीजिए, कहीं भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिला है, जो कि एकदम फ्रेश है। और दोस्तों, फ्रेश चीज़ तो दर्शकों को पसंद आती ही आती है, इसलिए दोस्तों दर्शक पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अनयूजुअल है, फ्रेश है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दर्शकों ने मुझे बताया कि फिल्म का डायरेक्शन बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करूँ इस फिल्म के डायरेक्टर की, जो कि है प्रशांत नील, उन्होंने सारी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पिरोया है। फिल्म को इतना ज़्यादा टाइट बनाया है उन्होंने कि आप आंखें झपका ही नहीं सकते। फिल्म की कहानी इतनी फास्ट है, इतनी ज़्यादा कट्स है फिल्म में कि आपको मज़ा आ जाएगा फिल्म देखकर। दर्शकों का कहना है दोस्तों कि फिल्म के डायरेक्टर ने अपने जॉब को बहुत ही सीरियस तरीके से लिया है। क्या आर्ट डायरेक्शन, क्या प्रोडक्शन, हर एक चीज़ में ये फिल्म मायने रखती है और अपने आप में ये फिल्म एक माइलस्टोन है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली उन्होंने दोस्तों कि सुपरस्टार रॉकिंग स्टार यश का इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले शायद ही बॉलीवुड लवर्स ने सुपरस्टार यश की फिल्में देखी होंगी, लेकिन जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाता है तब यश के धमाकेदार एक्शन सीन्स, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी कातिल आंखें, उनकी डायलॉग डिलीवरी, हर कोई पसंद कर रहा है दोस्तों इस फिल्म को, और स्पेशली सुपरस्टार यश को। तो दोस्तों, सुपरस्टार यश के लिए भी दर्शक फिल्म देखने जा रहे हैं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है दोस्तों फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, फिल्म में कैमरा एंगल्स जो इस्तेमाल किए गए हैं। दर्शकों ने ये बात सामने रखी है कि आज से पहले उन्होंने इस तरीके के कैमरा एंगल्स, इस तरीके के कट्स, इस तरीके के रेजर शार्प एडिटिंग आज से पहले नहीं देखी है। तो ऐसे में दोस्तों, इस फिल्म के अंदर यानी KGF के अंदर पूरे तरीके से हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से पिरोया गया है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो कैमरा एंगल्स हो, चाहे वो अगर बात करें सीन्स पे जंप मारना हो, हर एक मामले में फिल्म एकदम परफेक्ट बैठती है। और काफ़ी दर्शकों ने ये बात तक कह दी है दोस्तों कि फिल्म के एडिटिंग के लिए और फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के लिए जो एडिटर और सिनेमेटोग्राफर है उनको नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। ये तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात होती है, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली KGF वर्थ वॉचिंग है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रखा दर्शकों ने दोस्तों कि फिल्म की कहानी का में क्लाइमैक्स पोर्शन बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और चैप्टर 2 का आगाज़ होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने फिल्म देखी है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिल्म की कहानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, स्पेशली लास्ट में क्लाइमैक्स पोर्शन जब आता है दोस्तों। क्लाइमैक्स पोर्शन इतना ज़्यादा डरावना है, इतना ज़्यादा खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं पार्ट 2 का, जैसे हमने बेसब्री से इंतज़ार किया था कटप्पा का यानी बाहुबली 2 का। अब आप मुझे बताइए कि ये सारे पॉइंट्स सही है या फिर गलत, और ये भी बताइए कि आपको KGF मूवी कैसी लगी दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।